ओके तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट 1.19 के सर्वाइवल सीरीज में। इस सीरीज में मेरे लिए कुछ गोल्स रहेंगे जिनको मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरा पहला गोल है इस सीरीज में बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना। तो हाँ, फ्यूचर में इस सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले एक भी वीडियो को आप मिस ना करो। और वीडियो को भी लाइक करके रखना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरा सेकंड गोल होगा हर 100 दिन में आप लोगों को वॉल्ट डाउनलोड प्रोवाइड करना। तो हाँ, आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों का वॉल्ट डाउनलोड मिल जाएगा। और मेरा थर्ड गोल होगा इस सीरीज को बहुत दिन तक कंटिन्यू करने का। मतलब इस सीरीज को मैं बीच में कहीं पर भी नहीं छोड़ने जा रहा हूँ, इस सीरीज को मैं पूरा कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो बहुत बातें हो गई, अभी फाइनली टाइम आ गया है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का। ओके, तो ये हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड है जिसका स्पॉन जंगल के पास में हुआ है। बहुत बढ़िया, इसके पास में एक समुंदर भी है, ये तो अच्छा हो गया हमारे लिए। तो अभी कुछ उठ तो लेते हैं। ब्लॉक से बनेगा प्लैंक और प्लैंक से बनेंगे क्राफ्टिंग टेबल। मुझे आसपास तो स्टोन दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं जाने वाला हूँ जमीन के अंदर जहाँ पर मुझे मिलेंगे ढेर सारे स्टोन। ये बन गया उडन की पिकैक्स और अभी मैं स्टोन तोड़ सकता हूँ। तो अभी इन स्टोन से बन जाएगा एक स्टोन की पिकैक्स और अभी मैं और भी जल्दी स्टोन तोड़ सकता हूँ। इन स्टोन से सारे टूल्स बन जाएंगे जो की है स्वॉर्ड, एक्स और एक शवल। इस वक्त मुझे थोड़ा खाना चाहिए, तो यहाँ पर बाहर एक काउ इंतजार करिए। तो इसको तो मार दिया, बस अभी कुछ और मारने हैं। ओके, तो मेरा खाना और बेड दोनों का जुगाड़ हो चुका है और अभी थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं। और मुझे पता नहीं ये जानवरों को मार के मुझे क्या शांति मिलती है भाई, जहाँ पर भी दिखते हैं मैं इन लोगों को मारने का चला जाता हूँ। यहाँ पर एक और पीक था, ये रहा भाई, मैं पता नहीं यार हर लोग को मारने लगता हूँ यहाँ पर, देख लो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है यार। फाइनली थोड़ा बहुत तो कोल मिला। ओके, सामने कुछ सीप दिख रहे हैं, इस जगह पर ही अपना कैंप बसाते हैं। एक बेड बना लेता हूँ और एक फर्नेस, अभी सारा खाना जाएगा फर्नेस के अंदर। एक बोट भी बना लेता हूँ, यहाँ पर रात हो चुकी है तो मैं सो जाता हूँ। इसी के साथ मैंने सर्वाइव कर लिया है अपना फर्स्ट नाइट। अभी थोड़ा पेड़ तोड़ लेता हूँ, बाद में काम आ जाएगा। इस वक्त मैं निकलने वाला हूँ एक प्लेन जगह की तलाश में और मुझे कुछ शुगर केन दिख रहे हैं। और क्या ये एक प्लेन जगह है? एंड नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो मैं यहाँ से जा रहा था और तभी मुझे अपने सामने ये बड़ा सा माउंटेन दिखा भाई। 1.19 में यार ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बीच में रात हो चुकी है तो मुझे यहीं पर ही सोना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपना एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखता हूँ। वो यहाँ पर सामने कुछ और शुगर केन दिख रहे हैं गाइस, लिटरली देखो सामने वाले पहाड़ी पे कितने सारे कोल्स है। और गाइस, मुझे लगता है यही वो जगह है जहाँ पर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। ओके, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए बहुत सारे लॉग्स, जिसका मतलब मुझे तोड़ना पड़ेंगे बहुत सारे ट्रीज। और सबसे पहले उनके लिए मुझे चाहिए होगा बहुत सारे एक्स। तो मैं अब फटाक से क्राफ्टिंग टेबल पर बहुत सारे एक्स बना लेता हूँ। बहुत सारे बोलकर सिर्फ दो ही एक्स बना है। तो अभी हम हमारा प्रोजेक्ट डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास इनफ वुड आ चुके हैं और मेरे पास जितने भी सैपलिंग्स हैं मैं अभी इसको यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ये बाद में ग्रो हो सके। तो आप लोगों तो इस जगह की हालात देख ही सकते हो, पूरा भाई ऊंचा नीचा होके रखा है। अगर इस जगह पर घर बनाना है तो सबसे पहले इस जगह को एक रिपेयर देना पड़ेगा और रिपेयर देने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए बहुत सारे शवल। तो मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल पर शवल बना लेता हूँ जितना हो सके, यहाँ पर मैं 3 बना लेता हूँ। अभी मैं बहुत सारे डर्ट तोड़ने वाला हूँ।
और गाइस जब तक मैं यहाँ पर डर तोड़ रहा हूँ तब तक मैं यहाँ पर पिछले वीडियो के कमेंटेटर्स को शाउट आउट देना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी शाउट आउट पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज का सबसे पहला शाउट आउट जाता है ट्यूटोरियल डाइव विंडा को, हमारा सेकेंड शाउट आउट जाता है डार्थ रॉजर को, इसके बाद हमारा शाउट आउट जाता है द सेकेंड कमिंग को, एंड लास्टली हमारा शाउट आउट जाता है अधिल जिफ्री को। सो ये थे आज के शाउट आउट एंड नाउ बैक टू द वीडियो। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी ये जगह पूरा प्लेन हो चुका है और अभी हम अपने मन मर्जी यहाँ पर अपना घर और अपना साम्राज्य बसा सकते हैं। तो अभी हम हमारा घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बहुत देर तक बनाने के बाद फाइनली हमारा घर बनके तैयार हो चुका है। पहले मैं आप लोगों को बाहर से लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अंदर के चीज दिखाता हूँ। तो बाहर के आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर घर के अराउंड यहाँ पर एक बैल्कनी टाइप बनाया है और यहाँ पर पीछे से यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ विंडो लगा दिया है ताकि मैं यहाँ पर देख सकूँ। अब भाई ये रियली ये भाई बैल्कनी जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अभी हम अंदर चलते हैं। तो अंदर गेट खोलने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगाया है, इस जगह पर मेरा स्टोरेज फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल, और सीढ़ी से ऊपर है माय बेडरूम विथ बैल्कनी। घर तो बन गया लेकिन अभी थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा माइनिंग पे। तो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल पर थोड़ा बहुत पिकैक्स बना लेते हैं, थोड़ा बहुत टॉर्चेस, और ये रहा हमारे घर के सबसे सामने वाला केव। मुझे ऑलरेडी यहाँ पर आयरन दिख रहे हैं। ओ भाई केव का सबसे पहला ज़ॉम्बी आ गया। अभी इस आयरन का मैं सेफली तोड़ सकता हूँ, इस आयरन से एक शील्ड बना लेना बेटर आइडिया होगा, एंड एक स्वॉर्ड तो डेफिनेटली चाहिए। इस केव के सीलिंग में कुछ आयरन और कोल दिख रहे हैं तो मैं इसको डेफिनेटली तोड़ने वाला हूँ। अभी केव और भी ज्यादा गहरा हो रहा है। ओ भाई साहब नीचे माइनशाफ्ट मिल गया भाई, मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी तो नीचे मैं डेफिनेटली जाने वाला हूँ और मुझे पता था माइनशाफ्ट में भर भर के आयरन मिलने वाले हैं। यहाँ पर सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं और अभी इससे हम लोग फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर बना सकते हैं और एक बकेट भी बना लेते हैं सेफ्टी के लिए। इसी के साथ ही हमारे पास आ गया है फुल आयरन का आर्मर। मेरे पास जितने भी यहाँ पर आयरन बच चुके हैं उससे मैं यहाँ पर एक पिकैक्स बना लेता हूँ और अभी भी मेरे पास 3 एक्स्ट्रा होंगे बाकी काम के लिए, तो ये ठीक ठाक होगा। फाइनली माइनक्राफ्ट चेस्ट एक तो मिला। मैंने सुना है कि भाई इसके अंदर इंचेंटेड गोल्डन एप्पल बहुत सारे मिलते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं चांस होता है, अभी देखते हैं अपना लक। और भाई गोल्डन एप्पल मिल गया, चलो इससे भी काम हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मुझे पता है इस वाले माइनक्राफ्ट में ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या बोलते हैं माइनक्राफ्ट विथ चेस्ट है, लेकिन आज अगर हम इसको एक्सप्लोर करने जाएंगे तो भाई बहुत देर हो जाएगी, इसलिए भाई किसी और एक एपिसोड में हम पूरा माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल हम घर वापस चलते हैं। ऊपर जाते समय मुझे यहाँ पर लैपिस मिला, तो यार लैपिस तोड़ना तो बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हम डेफिनेटली ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर तो रात हो चुकी है तो मैं अभी जितनी जल्दी हो सके दौड़ने वाला हूँ और अपने बेड में चैन की नींद सोने वाला हूँ। तो पहले वीडियो में हमने बहुत सारा काम किया, यहाँ पर अपने सामने एक बड़ा सा घर बनाया, ये जगह को पूरा प्लेन बनाया, अपने लिए आयरन का पूरा आर्मर और यहाँ पर शील्ड, तलवार, बकेट ये सब बनाया। तो यार बहुत सारा काम हो चुका है फर्स्ट एपिसोड के लिए। तो हाँ आप लोगों से मैं मिलूंगा कोई एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।